Good morning, children of class 5. Today we are going to start a revision for half yearly exam. And today's topic is tick the correct answer. Children, आज जो हम टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं वो है टिक द करेक्ट आंसर, जो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से हैं। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दो वर्ड हैं, जो सही है उसको हम लोगों को टिक करना है। तो पहला सेंटेंस है, देयर आर 7 या 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं आपको पता है? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इसलिए हम लोग किस में टिक करेंगे? 8 में टिक करेंगे। तो क्या होगा, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन हैं? ये 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 5 or 6 टाइम लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। तो इसमें कितना टाइम होगा? 6 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 भाग किस में पाया जाता है? मून में पाया जाता है। यानी अर्थ के अकॉर्डिंग मून में का जो ग्रेविटी है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्बस या क्रिसेंट मून इज सीन बिटवीन हाफ मून एंड फुल मून। कौन मून है, गिब्बस है या क्रिसेंट मून है, जो हाफ मून और फुल मून के बीच में दिखता है? तो वो मून को हम लोग गिब्बस मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गिब्बस मून कहते हैं। तो क्या होगा इसमें, गिब्बस मून इज सीन बिटवीन हाफ मून एंड फुल मून। नेक्स्ट है, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून सोलर या लूनर इक्लिप्स ओकर्स। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो कौन से इक्लिप्स होते हैं? लूनर इक्लिप्स होते हैं। इसलिए हम लोग किस में टिक करेंगे? लूनर इक्लिप्स में टिक करेंगे। तो क्या होगा इसका सेंटेंस, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून लूनर इक्लिप्स ओकर्स। नंबर 5 and last, इंसेट ई इज अ कम्युनिकेशन या वेदर सैटेलाइट्स। इंसेट ई क्या है? एक सैटेलाइट है। जो कैसे सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या वेदर सैटेलाइट है? तो हम लोग इसमें किस में टिक करेंगे? कम्युनिकेशन में, क्योंकि इंसेट ई जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। इसलिए क्या होगा, इंसेट ई इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि इंसेट ई जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और टेलीविज़न प्रोग्राम में हमारी मदद करता है, जो पूरी दुनिया उस चीज़ को देखती है, बातचीत करती है। तो ये सब किसके थ्रू होता है? इंसेट ई के कारण। इंसेट ई का सैटेलाइट का यूज़ करके हम लोग पूरी दुनिया में एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, या टेलीविज़न पे जो भी प्रोग्राम होता है उसे हम लोग देख पाते हैं। इस तरह से ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख करके इसे अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।